तो नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल प्लानर एंड मेकर के अंदर। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया एक बहुत ही बेहतरीन 3 BHK बिल्डर फ्लैट विद रूफ के साथ। जी हाँ, विद टेरेस के साथ। गाइस, इस बिल्डिंग की जो सबसे अच्छी खासियत यह है कि ये मेन रोड से हार्डली 10 कदम की दूरी पर है और उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से, जैसा मेरे पीछे देख रहे हो, सिर्फ 50 कदम की दूरी पर है। तो जो लोग कंसर्न है कि हमें बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास चाहिए, मेन रोड के पास चाहिए, हमें गलियों में नहीं भटकना, हमें दूर नहीं जाना, तो गाइज ये आप लोगों के लिए बहुत ही फाइन लोकेशन है, बहुत ही बेहतरीन। इसमें काम अभी आपको देखने को मिलेगा जब हम इस फ्लैट को वॉक थ्रू करेंगे। तो गाइज, जो इस बिल्डिंग की लोकेशन है वो है बालूधियान रोड, जो कि 30 फुट की रोड है घर के आगे, मेन रोड से 10 कदम की दूरी पर है, सामने मेन रोड है, बहुत ही ईजी एक्सेस है बच्चों के स्कूलिंग के लिए, आपकी जॉब के लिए, हर चीज़ के लिए आपको बस 10 कदम चलना और आपको सब कुछ इजी अप्रोच है मेन रोड पे। गाइस, अगर मैं बात करता हूँ इस लोकेशन की, तो इस लोकेशन का बेसिकली सबसे अच्छा चार्म यह कि हमारी जो उत्तम नगर की सबसे फाइन मार्केट जो कि है आरएसमार रोड, वो है यहाँ से हार्डली 100 कदम की दूरी पे है। पास में आपको पार्क मिल जाता है जो कि वेल मेंटेन है, ओपन जिम है, वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं, मॉर्निंग ट्रैक है, लोकेलिटी एक नंबर है, आसपास की जेंट्री एक नंबर है, आपको क्राउड बहुत अच्छा मिलेगा। तो गाइस, इस फ्लैट का आज हम वॉक थ्रू करेंगे। वॉक थ्रू करने से पहले मैं बताता हूँ, ये बिल्डिंग हमारी फ्री होल्ड है, इस पर ईजिली होम लोन अवेलेबल है, इस पर आप LIC से, टाटा कैपिटल से, हीरो फाइनेंस, इंडिया इन्फोलाइन, इंडिया बुल्स, आदित्य बिरला, ये सभी फाइनेंस सेक्टर्स हमारे यहाँ पे एक्टिव और इन सभी के थ्रू आप ईजिली होम लोन ले सकते हो। तो गाइस, ये फ्लैट जो है, जैसा भी हम देख रहे हैं, ये विथ लिफ्ट है, विथ कार पार्किंग है। तो आज हम इस फ्लैट का वॉक थ्रू करेंगे। वॉक थ्रू करने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है, ज़रूर करिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो आने वाली अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की हमारी अपडेट्स होती हैं वो आप तक ज़रूर पहुंच सकें। तो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलो इस फ्लैट का वॉक थ्रू करते हैं, आई होप आपको ये फ्लैट पसंद आएगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल प्लानर एंड मेकर को और बेल आइकन का बटन दबाइए सबसे पहले वीडियोज़ देखने के लिए। तो आपका स्वागत है हमारे 3 BHK विद रूफ बिल्डर फ्लैट में। गाइस, अभी हम खड़े अपने फ्लैट की एंट्रेंस पे। जैसा कि मैं एंट्रेंस पे बताता हूँ, इस बिल्डिंग में हमारे 2 फ्लैट हैं, 2 BHK और 3 BHK, जो कि फ्रंट फेसिंग 3 BHK बिल्डर फ्लैट है। और जो अभी हम खड़े एंट्रेंस पे, अगर एंट्रेंस की मैं बात करता हूँ गाइस, जो है वास्तु कंसर्न, अगर आप लेते हो इस पे एंट्री तो वो होगा हमारा वेस्ट फेसिंग, अगर आप लोगे एग्जिट तो वो होगा हमारा ईस्ट फेसिंग, जिसमें ऑलरेडी हमारा लोहे का गेट प्री इंस्टॉल है, बहुत ही अच्छा आपको फिनिशिंग के साथ लोहे का गेट मिल रहा है। गाइस, अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें जो हमने काम कर रखा है, बहुत ही ब्रांडेड वर्क कर रखा है, सारे के सारे स्विचेस हो गए, आपको कहते हैं वायरिंग हो गई, MCBs हो गई, सारे फिनोलेक्स कंपनी की है जो कि एक ब्रांड है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ गाइस, इसकी पार्किंग से लेके टिल पैसेज एरिया जो हमारा स्टेयरकेस का पार्ट है, कंप्लीट आपको 4-4 फुट तक की टाइल्स मिल रही हैं। ये आपको टाइल्स का पूरा वर्क हो रखा है, जिससे दीवारें आपके मेंटेन रहेंगी। ये हमारा 6.5 फुट का जीना हो गया चौड़ाई के अंदर, जिसमें आपको लगेज लाने जाने में दिक्कत नहीं होगी। स्टेनलेस स्टील की रेलिंग हो गई, यहाँ पे हमारी लिफ्ट हो गई जो कि आपको पावर बैकअप के साथ मिलती है, इनकेस अगर कभी लाइट चली जाती हो तो लिफ्ट आपकी बंद नहीं होगी। ऑलमोस्ट रेडी टू मूव स्टेज पे है हमारी लिफ्ट, विद इन अ मंथ आपको कहते हैं लिफ्ट हमारी वर्किंग मिलेगी। सेम अगर मैं बात करता हूँ डोर की गाइस, बहुत ही फाइन फिनिशिंग के साथ इसके अंदर आपको ये लकड़ी का दरवाज़ा मिल रहा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हैंडल लॉक हमने इसमें यूज़ कर रखा है। गाइस, जो हमारे एंट्रेंस डोर की फिनिशिंग है, वही सारे दरवाजों के अंदर, जितने भी हमारे रूम्स हो गए, इवन टॉयलेट के डोर्स हो गए, सब के अंदर आपको सेम फिनिशिंग का डोर मिलता है। तो कम इनसाइड, मैं अब आपको फ्लैट का अंदर का इंट्रो करता हूँ और वॉक थ्रू करता हूँ। गाइस, जैसे ही हम अपने फ्लैट के अंदर आते हैं, ये हो गया हमारा हॉल, जो कि है ड्राइंग रूम के तौर पे, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ है, जिसमें आप अपना एल टाइप का सोफा इजीली प्लेस कर सकते हो, 7-8 सीटर विद लूज पफीज, और आप चाहो तो यहाँ पे भी आप एक राउंड टेबल रख सकते हो डाइनिंग टेबल के तौर पे, जिसका आप यूज़ कर सकते हो 4 सीटर का। तो काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ है, जिसमें आपको हॉल के अंदर सोफे की सीटिंग मिल गई, प्लस आपको डाइनिंग हॉल का एरिया मिल गया। तो गाइज, अगर मैं बात करता हूँ, इसमें कंप्लीट एल टाइप की आपको सीटिंग, जैसा मैं बता रहा हूँ, मिल रही है। वहाँ पर हमारी स्प्लिट एसी की वायरिंग फिटिंग हो गई, जो कि हमारे प्री इंस्टॉल है, इसमें सिर्फ आपने लाके अपना AC इंस्टॉल करना है, कोई तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं बात करता हूँ इसमें TV पैनल की, तो बहुत ही अच्छे हमने डिज़ाइनर पैटर्न के अंदर अपना TV पैनल यूज़ कर रखा है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे कहते हैं 2 शोकेश पैटर्न पे हमने आपको बॉक्सेस दे रखे, जिसमें आप अपना डेकोरेटिव आइटम रख सकते हो। प्लस इसके अंदर जो हमने कॉम्बिनेशन ले रखा है, वो वुडन और वाइट का हमने कॉम्बिनेशन ले रखा है, जिसमें आप आराम से अपना होम थिएटर TV इंस्टॉल कर सकते हो। 2 शेल्फ होगी पार्टीशंस के लिए। ये गाइस हो गया हमारा इंटरकॉम, जो कि है ऑडियो वीडियो के साथ, इसमें आपको जो है यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई मिलेगी, इवन यू कैन सी आउटसाइड की बाहर कौन खड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली ये डोर्स ऑपरेटेड होंगे।
तो गैस ये पूरा का पूरा हॉल। अब मैं बात करता हूँ पर फॉल सीलिंग की, बहुत ही शानदार इसमें फॉल सीलिंग हमने डिज़ाइन कर रखी है, जिसमें हमने MDF CNC कटिंग की जाली यूज़ कर रखी है। आपको सारी ब्रांडेड लाइट्स मिल रही हैं, जिसमें हमने कहते हैं कॉम्बिनेशन ले रखा है वाइट का, वार्म वाइट का और ब्लू का। इसमें गैस आपको पंखा, फैंस हो गए, ये सारे के सारे आपको इंस्टॉल मिलेंगे। बहुत ही लग्जरी पैटर्न के अंदर हमने इसको गैस डिज़ाइन कर रखा है। बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस है, जिसमें आप अपना सोफ़ा हो गया, एक 4 सीटर का डाइनिंग टेबल हो गया, वो आप इजिली प्लेस कर सकते हो। तो गैस वो था हमारा हॉल। हॉल के साथ ही हमें मिल गई किचन, जो कि बहुत ही अच्छे स्पेस में है। यू शेप की किचन है। हर बंदे का कंसर्न होता है कि हमें किचन बड़ी मिले, लेडीज़ का फेवरेट पार्ट होता है, जिसमें वो अच्छा खासा अपना सामान रख सके। तो आपको वैसे ही किचन मिल रही है यू शेप की, जिसमें हमारे यहाँ पे कहते हैं फ्रिज का स्पेस हमने दे रखा है। आप अपना कहते हैं जो डबल डोर का फ्रिज होता है वो इजीली आप यहाँ पे रख सकते हो विदाउट एनी फैन। बट सेम हमारे पावर का स्विच हो गया। बाकी आपको पूरे काउंटर टॉप के ऊपर यहाँ पे हमारी टाइल्स होगी, ब्लैक फिनिशिंग का हमारा पूरा का पूरा ग्रेनाइट पत्थर मिल रहा है ब्लैक में। तो गाइस ये होगी हमारी यहाँ पे शाफ्ट, जो कि टिल रूफ हेड तक ओपन है क्रॉस वेंटिलेशन के तौर पे। जब हम यहाँ पे चिमनी लगाएंगे तो उसके लिए हमने वहाँ पे प्रोविजन दे रखा है, आपका डक्टिंग का जो पार्ट है सीधा शाफ्ट में निकल जाएगा। तो ये पूरी की पूरी आपको मिल रही है, जिसमें आपको स्टोरेज की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ही अच्छा स्पेस है स्टोरेज के तौर पे, जिसमें यहाँ पे भी आपको कैबिनेट मिलती है पार्टीशंस के साथ। आप कुछ ना कुछ आइटम रखना चाहो आप रख सकते हो। पूरी कंप्लीट वुडन की हमारी ऐसे मार्क ये लकड़ी यूज़ हो रखी है। अंदर बाहर पूरी हमारी सनमाइका लगी हुई है, कंप्लीट आपको ये माइका मिल रही है अंदर बाहर से। ये हमारे हाइड्रोलिक हो गए, ये हमारे हाइड्रोलिक हैं, जिससे आपने कहते हैं बस ये बंद करा, और एक ही हमारा सेक्शन हो गया स्टोर के लिए। तो गाइज ये हमारी कहते हैं किचन। किचन के अगर मैं बात करता हूँ, जितना स्पेस हमने ऊपर दे रखा है विद हमने फोकस लाइट्स दे रखी हैं, इवन किचन के अंदर भी हमने यहाँ पे पूरी की पूरी फॉल सीलिंग वर्क कर रखी है डिज़ाइनर, जिसमें आपको कहते हैं वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो उसकी लुक को ज़्यादा इंप्रेसिव करता है। और नीचे हमारी मिल गई पूरी की पूरी कैबिनेट्स, जो कि है स्टेनलेस स्टील की गैस, जिसमें पार्टीशन ऑलरेडी क्रिएट है। आप चाहो तो इसमें अपने कड़छी, बर्तन, चम्मच आइटम्स वो रखना चाहो रख सकते हो, अदरवाइज मसाला बॉक्सेस हो गए वो आप रख सकते हो। एक हमारे पास ये स्पेस हो गया आटे के ड्रम के लिए या गैस के सिलेंडर के लिए, मल्टीपर्पज़ है। एक हमारे पास ये स्पेस हो गया, ये हमने यहाँ पे कहते हैं कैबिनेट लगा रखी है, जो कि मूवेबल है। आप लोग अपने अगर कोई आइटम रखते हो तो इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो हर पर्सन का कंसर्न होता है कि हमें कहते हैं स्पेस अच्छा मिले, जिसमें हम अपना कहते हैं जो स्टोरेज है वो इजीली कर सके किचन के अंदर। तो गैस उस पर्पस से बहुत ही अच्छा आपको 3 BHK बिल्डर फ्लैट देखने को मिलेगा। ये एक हमारे पास ये स्पेस हो गया, एक ये हमारे पास स्पेस हो गया। तो काफ़ी अच्छा लग्जरी स्पेस मिल रहा है किचन के अंदर, जिसमें हमारे यहाँ पे सिंक हो गई, ये हमारी कैबिनेट होगी, जिसमें हमने कहते हैं बर्तनों के रैक ऑलरेडी वाली शेल्फ लगा रखी है GTBT, जिसमें अपने कहते हैं जो भी आप यूटेंसिल्स धोगे वो आप इसलिए यहाँ पे रखते हो। तो यहाँ से हमारा ओपन है, पानी जो है वो सीधा जाके सिंक में गिरेगा, जिससे आपके कहते हैं कुछ भी ये वुडन कैबिनेट ख़राब नहीं होगी। और गाइस ये जो हमने दे रखी है, ये वाला स्पेस दे रखा है हमने RO के लिए, ये RO के लिए हमने स्पेस दे रखा है, जिसमें नीचे हमारा कहते हैं यहाँ पे पावर का पॉइंट हो गया, जिससे आपको RO का डायरेक्ट कनेक्शन आएगा। तो बहुत ही अच्छे कंफर्टेबल स्पेस के साथ आपको कहते हैं किचन मिल रही है। ये थी किचन। किचन के साथ अगर मैं बात करता हूँ गाइस, ये हमारा एंट्रेंस का पार्ट था, जैसा 15 आए थे। तो अगर मैं एंट्रेंस की बात करता हूँ तो यहीं पे हो गया हमारा कॉमन टॉयलेट कम बाथ। ये हमारा हो गया कॉमन टॉयलेट कम बाथ, जिसमें आपको बहुत अच्छा टाइल वर्क देखने को मिल रहा है। ग्रे एंड वाइट का हमने इसमें कॉम्बिनेशन यूज़ कर रखा है, जिसमें आपको सामने शॉवर का पैटर्न हो गया। आपको कहते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पे सीट का पैटर्न हो गया, जिसमें हमने आग क्रिएट कर रखी है, और आपको डेकोरेटिव लाइट्स हमने लगा के दे रखी हैं। आप कुछ ना कुछ इसमें स्टफ रखना चाहो आप रख सकते हो। प्लस इसमें भी शाफ्ट होगी वहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन की, जो टिल रूफ हाइट तक ओपन है। तो ये हमारा कॉमन टॉयलेट कम बाथ गाइस। बाकी अगर आप आते हो तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा बड़ा यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, 4.5 फुट का पैसेज एरिया। आप चाहो तो यहाँ पे भी अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे भी आपके कॉर्नर मिल गया, जो इन्वर्टर के लिए पॉइंट रहेगा, इन्वर्टर का सेक्शन आपका यहीं पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा हॉल, किचन, कॉमन टॉयलेट का पार्ट जो भी आपने देखा। अब हम सीधा मूव करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में। तो गाइस जैसे हम अपने फर्स्ट बेडरूम में आते हैं, ये रूम साइज़ है 11x10, 11x10 का रूम साइज़ मिलता है, 11 फुट की लेंथ है, 10 की इसकी विड्थ है, जिसमें यहाँ पे शाफ्ट होगी। प्लस ये आपको विंडो एसी का प्रोविजन मिल गया, जो कि टिल रूफ हाइट तक ओपन है। बहुत ही अच्छा हमने इसमें वॉलपेपर यूज़ कर रखा है, और बहुत ही बढ़िया इसमें हमने फॉल सीलिंग यूज़ कर रखी है, जिसमें आपको कहते हैं डिजाइनर पैटर्न पे आपको आर्क्स मिल रहे हैं, जो इसके लुक को ज़्यादा इंप्रेसिव करता है। और गाइस ये होगी पूरी की पूरी अलमीरा, जो कि स्लाइडर है, जिसमें आप अपना जब बेड रखते हो तो आपके पास यहाँ पे स्पेस बन जाता है, दरवाजा बाहर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक सेक्शन ये हो गया हमारे पास स्टोरेज के लिए, और एक सेक्शन हमारे पास ये हो गया स्टोरेज के लिए। प्लस ऊपर आपको स्टोरेज के लिए स्पेस मिल रहा है, नीचे आपको 2 चैनल ड्रॉअर मिल रहे हैं, जिसमें आप अपना जूतों, शूज़ हो गए या दस्तरफ हो गई वो आप रख सकते हो।
गाइस ये है हमारा कहते हैं फर्स्ट बेडरूम, जैसा भी आपने देखा। अब फर्स्ट बेडरूम से अगर हम मूव करते हैं, ये रहेगा हमारा मास्टर बेडरूम और ये रहेगा हमारा थर्ड बेडरूम। दोनों बेडरूम्स को बालकनी का एक्सेस रहेगा, दोनों बेडरूम्स के अंदर डोर है बालकनी में आने जाने के लिए। तो हम सीधा मूव करते हैं गाइस अपने मास्टर बेडरूम में। तो गाइस ये है हमारा मास्टर बेडरूम जो कि बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ है। अगर मैं रूम साइज़ की बात करता हूँ तो 12x10 का आपको रूम साइज़ मिलता है, जो बहुत ही कंफर्टेबल रूम साइज़ है, जिसमें आप अपना 6x6 का बेड इजीली लगा सकते हो विदाउट एनी फैन बट। तो ये हमारा कहते हैं प्रॉपर आपको स्पेस मिल रहा है, जिस पर बहुत ही अच्छा हमने वॉलपेपर यूज़ कर रखा है डिज़ाइनर पैटर्न पे। तो गाइस जो वॉलपेपर की थीम है उसी से मैचिंग हमारे यहाँ पे अलमारी में सनमाइका भी यूज़ हो रखी है, जो व्हाइट एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन पे हमने ले रखा है विद ड्रेसिंग टेबल के साथ में, जिसमें ऊपर भी आपको स्टोरेज मिल रही है। प्लस ये हमारी कैबिनेट होगी स्टोरेज के लिए, आप एक बार देख सकते हो अंदर बार पूरा सनमाइका का वर्क है। एक स्टोरेज हमारे पास ये होगी स्पेस के लिए, यहाँ पे भी आप अपना सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। और गाइस एक हमारे पास ये हो गया लुकिंग मिरर के साथ ड्रेसिंग का वर्क, जिसमें जो लेडीज़ का फेवरेट पॉइंट होता है कि यहाँ पे आप अपना स्टफ रख सकते हो। नीचे आपके पास ये चैनल ड्रॉर मिल गए सामान रखने के लिए। तो गाइस स्पेस को लेके कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जगह भरपूर है 3BHK के अंदर। जो जितनी जगह हम यूज़ कर सकते हैं वो उतनी जगह हमने यूज़ कर रखी है। तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर हमने यहाँ पे ह्यूज टीवी पैनल दे रखा है, जिसमें हमने यहाँ पे दो फोकस लाइट्स दे दी, प्लस एक वुडन शेल्फ मिल गई, एक वुडन शेल्फ ही होगी, प्लस नीचे तीन हमारे चैनल ड्रॉर्स हो गए जो कि हमने वाइट और वुडन का कॉम्बिनेशन ले रखा है। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के साथ में गाइस हमारे यहाँ पे हो गया अटैच्ड वेलकम बाथ, जो कि शॉवर हो गया, सीट होगी, वॉश बेसिन, आपको सारी की सारी बाथ फिटिंग्स लगी हुई मिलेंगी, टिल रूफ एट द टाइल्स होगी। प्लस इसमें भी आपको कहते हैं विंडो मिलगी एग्जॉस्ट पॉइंट के लिए। तो गाइस जैसे ही आप आते हो तो ये हमारा रहेगा बालकनी का एक्सेस। इसके अंदर भी आपको जाली की खिड़कियाँ ऑलरेडी लगी हुई मिल रही हैं ग्लास विंडोज़ के साथ साथ में, जिससे आपको कहते हैं ड्यूरेबिलिटी और बढ़ जाती है। प्लस आप लोग कभी अगर रात को विंडोज़ ओपन करते हो तो मॉस्किटो नेट हमने ऑलरेडी लगा रखी है, तो मच्छर आपके अंदर नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं अपनी बालकनी के एक्सेस की गाइस। तो ये रहेगा बालकनी का एक्सेस। जो कि है बहुत अच्छे स्पेस के साथ, ये आपको ऐसे स्पेस मिलता है 4 फुट का, जिसमें आप कुर्सी डाल के आराम से बैठ सकते हो। प्लस टिल रूफ हाइट तक पूरी की पूरी टाइल्स मिल रही हैं। यहाँ पे हमारा वॉशिंग मशीन का एरिया मिल गया और प्लस पावर का स्विच हो गया। तो गाइज़ ये हमारा कहते हैं बालकनी वाला एक्सेस फर्स्ट बेडरूम के साथ। एक बारी मैं कैमरामैन को बोलूँगा इधर की तरफ आए। और ये वाला रहेगा हमारा क्या कहते हैं इस बेडरूम के साथ एक्सेस, जो कि हमारा कहते हैं उस बेडरूम से बालकनी का एक्सेस रहेगा। तो कंप्लीट आपको बालकनी मिल रही है, काफ़ी अच्छी बड़ी बालकनी है, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग हो गई। तो गैस अभी हम खड़े अपने फर्स्ट फ्लोर पे, ये हमारा सैंपल फ्लैट है जो रेडी हो रखा है। और ये हमारा पूरी की पूरी नीचे की रोड है 30 फुट की, जो ठीक सामने मेन रोड से कनेक्टेड है। तो अब हम सीधा चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम में। अब हम आगे अपने थर्ड बेडरूम में, और थर्ड बेडरूम का साइज़ भी आपको मिलता है 12x10, बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ है, बहुत ही डेकोरेटिव वर्क इसमें हमने यूज़ कर रखा है फॉल सीलिंग का, जिसमें आपको यहाँ पे भी आर्क मिलता है। प्लस यहाँ पे भी हमने वुडन की CNC कटिंग यूज़ कर रखी है MDF जाली की। कंप्लीट आपको वाइट लाइट्स होगी, वार्म लाइट्स होगी, ब्लू का पूरा हमने कॉम्बिनेशन दे रखा है। जब आप लोग अपना इसमें बेड यूज़ करोगे तो गाइस ये बैक आपको बहुत ही आलीशान लगने वाला है। तो ये हो गया हमारा बेडरूम, जिसमें आपको पूरा का पूरा स्पेस मिलता है। ये होगी हमारी बालकनी की एक्सेस, इसमें भी विंडो है, विंडो एसी का प्रोविजन है। और ये रहेगी हमारी बालकनी में जाने का एक्सेस। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ 3BHK गाइस। बाकी अभी हम खड़े अपने फर्स्ट फ्लोर पे, ये हमारा सैंपल फ्लैट है जो तैयार हो रखा है। जो हमारा टॉप फ्लोर है गाइस वो अभी रॉ है, उस पर अभी हमने कहते हैं वॉलपेपर वर्क नहीं कर रखा है, पेंट वर्क अभी हमने छोड़ रखा है। तो अगर आप लोगों की कोई चॉइस है, कोई प्रायोरिटीज़ है, वो आप कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, उसमें कोई खर्चा नहीं होगा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक करना ना भूलिएगा। तो गाइस ये था हमारा 100 गज का 3BHK बिल्डर फ्लैट। अब मैं आपको दिखाऊंगा 100 गज की छत। तो चलो आप सीधा छत पर चलते हैं। तो गाइस अब हम खड़े हैं अपने 100 गज के बिल्डर फ्लैट की छत पे। जैसा भी आपने नीचे हमारे यहाँ पूरा को पूरा फ्लैट देखा, ये आ गई हमारी 100 गज की छत। तो गाइस अगर मैं बात करता हूँ इस छत की, हमारा रहेगा एक्सेस, जो कि है प्राइवेट रूफ रेट के साथ। आप लोग इस पे क्या क्या काम कर सकते हो, हर बंदे का ये कंसर्न होता है कि हम क्या काम कर सकते हैं छत पे। गाइस सबसे पहले आप अपना स्टोर हो गया, आप टीन टपर वाला कमरा हो गया, गार्डन हो गया, टॉयलेट हो गया, पेट हाउस हो गया, स्टोर हो गया, जिम हो गया,
ये सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हो, ये लीगलाइज है क्योंकि टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन के अंदर अलाउड होती है। अगर आपने एग्जांपल देखना है तो एग्जांपल के तौर पे ये रही सामने वाली छत के ऊपर, जो एक फैमिली है उसने अपना कहते हैं कवर अप कर रखा है, अगर आप नोटिस करोगे तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वर्क आप क्रिएट कर सकते हो, ये लीगलाइज है। बाकी गाइज अगर मैं बात करता हूँ छत की, तो प्रॉपर आपको 100 गज की छत मिल रही है, बहुत ही अच्छा स्पेस है। एक बार कैमरामैन को बोलूँगा प्रॉपर आपको छत दिखाए, काफ़ी कंफर्टेबल स्पेस है आपको ये, जिसमें हमने हज़ार लीटर की टंकियाँ रखी हुई हैं। आपको यहाँ पे हज़ार लीटर की टंकी है, हर फ्लैट की इंडिविजुअल टंकी है, प्लस जो टॉप फ्लोर की टंकी है वो हमने ऊपर रखी हुई है, जिससे आपके पानी का फ्लो पूरा रहे, भरपूर रहे, बिना किसी दिक्कत के परेशानी के आपको प्रेशर पूरा मिले। तो गैस ये पूरी की पूरी छत, छत की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी हमने आपको एक एरिया क्रिएट कर रखा है, बालकनी का एक्सटेंडेड एरिया। इसका बेस्ट पॉइंट यही है कि जो लोग अगर नीचे देखते हैं तो उसके लिए छत बिल्कुल ओपन नहीं है, तो कंप्लीट आपको यहाँ पे सरफेस मिल रहा है। सामने वो मेट्रो स्टेशन हो गया जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो गैस ये हमारा 3 BHK बिल्डर फ्लैट की छत, जो कि विथ लिफ्ट है, विथ का पार्किंग है। अब मैं बात करता हूँ इसके दाम की, तो गैस जो इसका प्राइस है वो है 58 लाख रुपये। 58 लाख रुपीज़ के अंदर आपको 100 गज का बिल्डर फ्लैट मिलता है, बिल्कुल नियर टू मेट्रो, 10 कदम की दूरी पर है मेन रोड से। तो गैस आप जल्दी से आओ, इस फ्लैट को बुक करो, क्योंकि इसमें अब लिमिटेड यूनिट ही अवेलेबल है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना ना भूलेगा। तो दिस इज़ पुनीत गुप्ता, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ।